आज मैं एक ऐसे दिव्य औषधीय पौधे से आपको मिलवाने वाला हूँ जो हड्डियों का कैंसर, गठिया, प्रजनन क्षमता, अनेकों बीमारियों में वो कारगर है। और किस प्रकार का है ये पौधा आपको दिखा दूँ। इसे हाड़ जुड़ कहते हैं। इसके उपयोग मैं अन्य किसी वीडियो में दिखाऊंगा। आज मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप इसे पहचान जाओ आपके आसपास और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओ। तो ये एक नीम का पौधा है, नीम पे चढ़ी हुई हड़जोड़ है ये। और आप ये यहाँ पर इस जगह पे इसकी ये मदर रूट है, ये देखिए यहाँ पे इसकी मदर रूट है। और यहाँ से इस प्रकार की इसकी मदर रूट होती है, आप छू के भी इसको आभास कर सकते हैं। और इस प्रकार के इसके अलग अलग तने निकलते हैं इसी मदर रूट्स में से। आप देखोगे तो ये तना आपका निकल रहा है और ये मदर रूट धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इस तरीके से घूमते घूमते और यहाँ पर इस मदर रूट में से इस प्रकार के जैसे बरगद की जड़ें निकलती हैं, इसी प्रकार से जड़ें निकलती हैं। और ये जड़ें धीरे 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 ये देखिए, और इस हिस्से को अधिकतम हम प्रयोग करते हैं औषधि बनाने के लिए। और ये मध्य प्रदेश में खुजराहो में ये दिव्य पौधा हमें मिला, ये देखिए। और इसके अंदर से इस प्रकार से ये रूट्स इसकी निकली हुई है और ये हड्डियों के कैंसर में गजब का काम करती है। 4 से 5 ग्राम आप इसको प्रयोग करें, पहले शुरुआत 1 ग्राम से करें और फिर इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाए। और अगर यही हड़जुड़ नीम के ऊपर है तो इसका परिणाम और अच्छा हो जाएगा, विशेष रूप से कैंसर में। और गठिया की भी बहुत अच्छी दवा है, प्रजनन क्षमता में बहुत लाभकारी है। और किस तरीके से ये बेल अद्भुत तरीके से फैली हुई है, प्रकृति का कितना बड़ा गठजोड़ है। अब मैं इसके पत्ते भी आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल दिल के आकार के पत्ते इसके होते हैं, ये देखिए। जहाँ पे ज्वाइंट है ये देखिए, इसी ज्वाइंट के ऊपर इसका ये पत्ता है। छूने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ये देखिए प्रत्येक ज्वाइंट पे एक पत्ता है, अगले ज्वाइंट पे फिर एक पत्ता है, इससे अगले पे एक और है, हालांकि उदास है ये पत्ता। इसी प्रकार से इसके पत्ते होते हैं, ये देखिए। तो इस दिव्य औषधीय पौधे को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और इसको लगाने से ही जीवन है। बार बार मैं कहता हूँ, जीवों को और वनस्पतियों को बचाना, उनसे प्रेम करना, यही जीवन है। परमात्मा ने हमें ताकतवर बनाया है इन वनस्पतियों को सही उपयोग करने के लिए, लगाने के लिए। इन छोटे छोटे मक्खी, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, कबूतर, मोर, गौमाता, इन सब को बचाने के लिए। इस भाव को जब हम समझना प्रारंभ करेंगे तो जीवन को जानने की यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाएगी। और एक दौर ऐसा आएगा कि हम सुख की उस परिधि को पीछे छोड़ देंगे, सीमा रहित सुख और दुखों से मुक्त हम हो जाएंगे जब इस कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस हड़जुड़ को लगाइए। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित। अमर रहे।